सब्सक्राइब करें एल पटेल चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी यूट्यूब पर देखने के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एल पटेल में। आज हम कंपेयर करेंगे 39 HP के दो पॉपुलर ट्रैक्टर को, जो कि एक है सोनालिका की तरफ से DI-35RX और दूसरा जो है वो है महिंद्रा की तरफ से 275 DI-TU। TU का मतलब होता है एक्स्ट्रा टॉर्क, मतलब इसमें टॉर्क जो है उसकी मात्रा बढ़ाई गई है, इसलिए इसको अब TU नाम से निकाल रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में। अगर दोनों के ट्रैक्टर की HP की बात की जाए तो ये दोनों की जो रेंज है वो 39 HP कैटेगरी है और दोनों ही काफ़ी पॉपुलर ट्रैक्टर है अपने फील्ड में और काफ़ी ज़्यादा बिकने वाले ट्रैक्टर है हमारे महिंद्रा और सोनालिका की तरफ से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंजन के स्पेसिफिकेशन से, जिसमें हम पहला लेते हैं महिंद्रा का 275 DI-TU। अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर 3 सिलेंडर का महिंद्रा कंपनी का इंजन है जो कि केयर टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है और इसकी अगर CC की बात की जाए तो ये 2048 CC का है और साथ ही इसकी 39 HP की पावर है जो कि 2100 रेटेड RPM पे प्रोड्यूस होती है। वहीं अगर सोनालिका सिकंदर DI-35RX की बात की जाए तो इसके अंदर 3 सिलेंडर का इंजन दिया गया है जो कि ITL कंपनी का है, मतलब इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड कंपनी का है और इसकी CC की बात की जाए तो ये 2780 CC का इंजन है और ये 39 HP की जो पूरी पावर ही 1800 रेटेड RPM पर प्रोड्यूस करता है। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए, मतलब क्या डिफरेंस है, तो आप देखेंगे तो RPM में जो डिफरेंस है वो आपको 300 RPM कम मिलेगा सोनालिका में, मतलब 300 कम RPM पे उतनी ही पावर प्रोड्यूस कर रहा है सोनालिका का सिकंदर। वहीं अगर CC का डिफरेंस देखा जाए तो 732 CC का दोनों के बीच में डिफरेंस है। इसका मतलब ये कि सोनालिका का जो इंजन है वो 732 CC ज़्यादा है महिंद्रा के 275 DI से। वहीं अगर एयर क्लीनर की बात की जाए तो महिंद्रा में जो है वो ऑयल वाश टाइप का दिया है जिसमें 3 स्टेज एयर क्लीनिंग होती है। वहीं अगर सोनालिका की बात की जाए तो इसके अंदर ड्राई एयर क्लीनर दिया गया है जो कि डूल एलिमेंट में आता है, जो सिकंदर सीरीज़ का है वो। और अगर आप उसकी जगह नॉर्मल वाला लेते हैं DI-35 तो उसके अंदर आपको ऑयल वाश टाइप का एयर क्लीनर मिल जाएगा। लेकिन एयर क्लीनर की साइज़ की बात की जाए तो महिंद्रा से काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज है सोनालिका के सिकंदर का। अब अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो महिंद्रा के 275 में पार्शियली कांस्टेंट मेश गियरबॉक्स दिया गया है। वहीं अगर आप सोनालिका सिकंदर की बात करेंगे तो इसके अंदर कांस्टेंट मेश गियरबॉक्स दिया गया है। इसका मतलब ये कि ये एक फुल कांस्टेंट मेश है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर गियरबॉक्स की यूनिट की बात की जाए तो इसके अंदर 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स दिए गए हैं महिंद्रा के 275 DI में, जो कि सेंटर शिफ्ट में आते हैं। इसका मतलब ये कि इसके जो गियर हैं वो सामने दिए गए हैं। वहीं अगर कभी आप सोनालिका सिकंदर की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर साइड शिफ्टेड का ऑप्शन है। और एक और नया सीरीज़ निकाली है जो कि MM सुपर नाम से आती है सोनालिका की, उसके अंदर आपको सेंटर शिफ्ट मिलेगा और उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है DI-35RX से। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दें तो मैं उसका वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। वहीं अगर इसके स्टेयरिंग की बात की जाए तो दोनों में ही मैनुअल और पावर का ऑप्शन है, लेकिन महिंद्रा का अगर आप पावर स्टेयरिंग लेते हैं तो उसमें डबल बॉन्ड सिस्टम आएगा, मतलब दोनों साइड एक्चुएशन वाला आएगा। वहीं अगर आप सोनालिका सिकंदर का लेते हैं तो उसके अंदर सिंगल साइड वाला आपको पावर स्टेयरिंग मिलेगा। अब बात करते हैं इसके ब्रेक के बारे में। तो जो महिंद्रा का 275 DI है उसके अंदर आपको ऑयल इमर्ज मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, साथ ही आपको सोनालिका के में भी ऑयल इमर्ज मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे। इस तरीके से ब्रेक जो है इन दोनों के सेम है। अब अगर हम दोनों के क्लच की बात करें तो महिंद्रा 275 DI जो TU वाला एडिशन है इसके अंदर अभी तो सिंगल क्लच ही आ रहा है, लेकिन हमने बात करी है तो शोरूम वालों का कहना है कि बहुत जल्द इसके अंदर डुअल क्लच का ऑप्शन आ जाएगा। वहीं आपको जो DI-35RX है इसमें सिंगल और डुअल क्लच दोनों ही मिल जाएंगे। अब बात करते हैं किसानी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, वो है उसकी हाइड्रोलिक। तो इन दोनों के हाइड्रोलिक की बात की जाए तो जो 275 DI है इसके अंदर आपको ADDC टाइप की हाइड्रोलिक मिलेगी और इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो 1200 kg है और वो सिंगल पॉइंट सेंसिंग के साथ आती है। इसका मतलब ये कि जो सेंसिंग का पॉइंट है वो एक ही दिया गया है इसमें। वहीं अगर सोनालिका सिकंदर की बात की जाए तो इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो पहले से ज़्यादा कर दी गई है। पहले 1600 kg आती थी, अब इसे 1800 kg कर दिया गया है।
वहीं जो इसकी सेंसिंग है वो 3 पॉइंट सेंसिंग दी गई है। इसका मतलब ये कि आप 3 होल पे अलग अलग स्पीड से एडजस्ट कर सकते हैं इसकी सेंसिंग को, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है किसानी के लिए। वहीं अगर बात की जाए फ्यूल टैंक के बारे में, तो आप देखेंगे कि 275 DI के अंदर 47 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। वहीं अगर आप सोनालिका सिकंदर की बात करेंगे तो इसके अंदर 55 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। अब अगर हम बात करें दोनों के एक्सल के बारे में, तो दोनों में ही जो एक्सल दिए गए हैं वो नॉन एडजस्टेबल दिए गए हैं। इसका मतलब ये कि आप उसमें एडजस्ट कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम इसके टायर की बात करें, तो जो टायर है फ्रंट टायर दोनों के ही 600/16 के दिए गए हैं। वहीं अगर रेयर टायर की बात की जाए तो महिंद्रा 275 में आपको ऑप्शन मिलेगा आप 12/4/28 और 13/6/28 के टायर में से कोई सा एक ले सकते हैं। और सोनालिका सिकंदर में भी आपको यही ऑप्शन मिलेगा कि आप 12/4/28 और 13/6/28 में से कोई सा भी एक ले सकते हैं। अब अगर मेन बात की जाए कि जो TU लिखा हुआ है क्या इससे इसका टॉर्क बड़ा है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो जो महिंद्रा का 275 DI TU नाम से आ रहा है उसके अगर टॉर्क की बात की जाए कि कितने न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, तो वो 134.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर सोनालिका सिकंदर DI 35 RX की बात की जाए तो वो 167 न्यूटन मीटर टॉर्क, मतलब 167 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि पूरे 32 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा है महिंद्रा के 275 DI से। अब अगर बात की जाए इन दोनों के PTO HP के बारे में, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा सिवाय इस वीडियो के, तो आप PTO HP देखेंगे तो 275 DI TU की जो PTO है वो 33.5 की दी गई है। वहीं अगर आप सोनालिका सिकंदर की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको 35.4 की दी गई है। इसका मतलब ये कि इन दोनों के अगर PTO के डिफरेंस की बात की जाए तो 2 HP ज़्यादा पावर है सोनालिका के सिकंदर में। वहीं अब अगर हम बात करें इन दोनों के वेट के बारे में, तो जो महिंद्रा का 275 DI TU दिया गया है उसका पूरा टोटल वेट जो है वो 1840 kg दिया गया है। वहीं अगर आप सोनालिका की 35 RX की बात करेंगे तो उसके अंदर 2060 kg का टोटल वेट दिया गया है। इसका मतलब ये कि महिंद्रा के 275 DI से सोनालिका का सिकंदर जो है वो थोड़ा हैवी है, क्योंकि डिफरेंस जो है वो करीब 400 kg का आ रहा है। अब इन दोनों के प्राइस के बारे में बात करें तो इन दोनों के प्राइस में आपको डिफरेंस ज़्यादा विशेष नहीं मिलेगा। अगर आप महिंद्रा के 275 DI की बात करें तो आपको ये 4,50,000 से लेके 5 लाख के करीब में आपको मिल जाएगा, क्योंकि हर स्टेट की प्राइस जो है वो अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से मैं एक अनुमानित आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। वहीं अगर सोनालिका सिकंदर की बात करेंगे तो वो आपको 20,000 रुपये ज़्यादा ही मिलेगा, इसलिए क्योंकि ये सभी जगह का डाटा मैंने देखा है, तो ये आपको पड़ रहा है 4,80,000 से लेके 5,20,000 तक। तो यही है इन दोनों की पूरी डिटेल। अब बात की जाए कि सब मामलों में कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो अगर गेयरबॉक्स यूनिट की बात करें तो सोनालिका सिकंदर गेयरबॉक्स यूनिट में आगे है, क्योंकि उसके अंदर कांस्टेंट मैच दिया गया है। वहीं महिंद्रा में जो है पार्शियल कांस्टेंट मैच दिया गया है। पावर स्टेयरिंग की बात करें तो आपको उस महिंद्रा में ज़्यादा अच्छा पावर स्टेयरिंग मिलेगा, लेकिन अगर गेयरबॉक्स की बात की जाए, मतलब साइड शिफ्टेड और सेंटर शिफ्टेड, तो आपको सोनालिका सिकंदर में थोड़ी ज़्यादा सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर आप CC की बात करेंगे तो आपको सोनालिका सिकंदर जो है वो ज़्यादा CC में मिल रहा है। क्लच के ऑप्शन की बात की जाए तो आपको अभी महिंद्रा में ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन सोनालिका में आपको मिल रहा है। हाइड्रोलिक कैपेसिटी की बात की जाए तो वो भी आपको सोनालिका सिकंदर की ज़्यादा मिल रही है। अगर फ्यूल टैंक की हम बात करें तो फ्यूल टैंक भी आपको सोनालिका सिकंदर का ज़्यादा मिल रहा है। वहीं अगर आप टॉर्क की भी बात करेंगे तो आपको करीब 32 न्यूटन मीटर टॉर्क एक्स्ट्रा मिल रहा है सोनालिका सिकंदर में। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मेरे से पूछा जाए कि इन दोनों ट्रैक्टरों में आपको कौन सा खरीदना चाहिए, तो मैं सोनालिका सिकंदर DI 35 RX की सलाह दूंगा, क्योंकि वो हर मामले में महिंद्रा के 275 DI को कॉम्पीट कर रहा है। तो यही सब कुछ है दोनों इन ट्रैक्टरों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हम जो ट्रैक्टर ले रहे हैं उसके अंदर क्या क्या डिटेल दी गई है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में।